आज हमारे इस वोट का हकदार कौन है। दोस्तों, हम लोग अपने ईमान को भली भांति जानते हैं, बहुत पहले से उनका दौरा इस क्षेत्र में रहा है, यहाँ के मसाइल को वो देखते आए हैं, यहाँ के सड़कों की हालत, यहाँ के मदरसों की हालत, यहाँ के स्कूलों की हालत, यहाँ के तालीमी माहौल की हालत और यहाँ के हॉस्पिटल की हालत, यहाँ के नदी पुल पुलिया की हालत, बाढ़ सैलाब की हालत, सबसे वो भली भांति वाकिफ है और हर मरहले पर उनका यहाँ दौरा रहा है। मुसीबत की घड़ी में यही वह शख्स है जो खड़ा उतरता है और मुसीबत की घड़ी में आकर के हम सबों के पीठ पर साया बनकर खड़ा होता है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बाढ़ का मौसम था, सारे घर में पानी घुसा हुआ था, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, दाना दाना के लिए मोहताज थे, ऐसी विकट परिस्थिति में जनाब अख्तरुल ईमान साहब घर घर घुसकर सैलाब जदगान की खबर खैरियत लिए, गले से गले मिले और उनसे जो कुछ बन पड़ा लोगों को राहत का सामान पहुंचाए। और यहाँ तक नहीं, यहाँ से उन्होंने मजलिस के जो अध्यक्ष हैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, उनको फोन किए और यहाँ के हालात से अवगत कराए, तो अवैसी साहब भी अपने आप को रोक न पाए और इस मुसीबत जदा इलाके में कूद पड़े और घर घर चलकर सारे दुख दर्दों को बांटने की कोशिश किए। दोस्तों, ऐसा जाबाज आदमी हमारे बीच में खड़ा है, अब फैसला करना हम सबों का हाथ में, हम सबों का अख्तियार है। दोस्तों, जो तीनों कैंडिडेट जिनका त्रिकोणात्मक हमारे यहाँ का संघर्ष नजर आ रहा है, सब कैंडिडेट से हम लोग वाकिफ हैं, सबको हम लोग जानते हैं। हमारे दुख दर्द में साया किस तरह कौन आता है और कौन हमारे दुखों को बांटता है, कौन हमारे बीच आता है, हमारे गरीबों का हाथ पकड़ के उठाता है। साथियों, यही वो अख्तरुल ईमान है जो इन सारे कामों को बखूबी अंजाम देता रहा है और आज वो हमारे बीच, हमारे इन मसाइल से भरी भारी वाकिफ होकर हमारे बीच उम्मीदवार के शक्ल में आए हैं। हम उनसे वाकिफ हैं, वो हमारी समस्याओं से वाकिफ है, इसलिए हम लोग मिल जाएं, हम अपनी समस्या उन पर डाल दें, वो हमारे हल करने का वादा करें और हमारे मसाइल को लेकर के पार्लियामेंट में पेश करें और हमें उम्मीद है कि पेश करने में वो आगे रहेंगे, हमारी समस्याओं को हल करने में वो मजबूती से हमारा साथ देंगे, हमारे दुख दर्द में आएंगे, हमारी मुसीबत में कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। ऐसे नौजवान को, ऐसे बेबाक लीडर को हमें चुनकर पार्लियामेंट भेजना है और वो वक्त आ गया है कि 18 तारीख को हमें